देखो अपने पूर्वज के लिए कोई ना तो गलत बात सुनता ना बर्दाश्त होती। मैंने कल 3 दिन हो गए इस घटना को घटित हुए, 2 से 3 दिन हो गए। लोग ये कह रहे हैं हम लाशें बिछा देंगे, लाशें। बाबा साहब अंबेडकर ने यह स्वीकार रखी है, दर्द है, हमने हथियार बना लिया बाबा साहब अंबेडकर को, आए लाशें बिछाण वाले। भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर साहब काशीराम को लेकर और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आगे चल रहे। अरे थारता उन्हें वो मतलब लाशें बिछाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? फालतू की बकवास करे जाए सारा दिन। आज ले लो सवाद, अब हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं वहां उत्तराखंड वाले। मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं वो नहीं कहना चाहता था, पहले नहीं दिखती कि क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। बन रहे बड़े अंबेडकरवादी। शिक्षा के बारे में पूछ लो, 4 लाइनें लिखने के लिए पूछ लो तो सारों की इसे टिपिटी गुल हो जाए कि भाई ना हम नहीं लिख पाएंगे। गोपरेल मामले के लड़के आज भी उनकी कोई हेल्प नहीं करता, ये सच है मंजू, ये ही हकीकत है। लोग हमारे पास फोन कर करके ये कहते हैं कि बहन जी हमें हम कैसे बचेंगे इससे, इन लोगों ने मजाक बना रखा है। जहां जाते हैं वहां बेहूगा पुलिस का टक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जबान नहीं है तुम्हारे पास, कलम नहीं है तुम्हारे पास, सभ्य तरीका नहीं है तुम्हारे पास। अंबेडकर ने थारता नु सिखा रखी है थोड़ा गाड़ी पकड़ लाग जाइयो, बकवास करने लाग जाइयो। ये सोशल मीडिया है, आड़े एक एक चीज रिकॉर्ड हुए है, गर्त ठा ले जाए। समझने की ये बात है कि हम लोग गलत ट्रैक पे हैं। जय भीम का गाड़ी बनाकर धर दिया, लोग जय भीम सुन के हमारे से मतलब विरोधी बन गए हमारा। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई गांव वाला नू कह दे कि हम इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। अरे भाई मेरी बात किसी ने बुरी लागे ना तो 100 बार लाग जी। हाँ मंजीत मोखरा जी बता रहे संत श्रोमणि गुरु रविदास तुगलक का बाद में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो बच्चे आज भी दिल्ली है धक्के खा रहे हैं। 2 बच्चे तो मेरे करनाल के ही हैं, 2 या 3 है, धक्के खा रहे हैं। तारीख नहीं पूरी होती, भाड़े नहीं पूरे होते, शोक चढ़ रहा है, हम पर्चे दर्ज करावेंगे। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, था थारा हो रहा है दिमाग खराब। वहां पे वो चंद्रशेखर नु कह रहे हैं कि शांति बनाए रखे, बाहर नु कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 12 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। आप फिर मेरे तनु बताओ, ये जो मैक सिंह जी थे इन्होंने किस चीज को लेकर उन राजपूतों का विरोध करा? मेरे तनु बताओ, और फिर पूरी जाति का क्यों विरोध करा? दो व्यक्ति वो चला रहे हैं एक फेसबुक आईडी, उस पर 2 कमेंट आ गए। अरे तुम उस आदमी का विरोध कर लो, उस आईडी का विरोध कर लो, उसके लिए तुमने क्या कंप्लेंट करी नू बताओ मेरे से? हर जगह मनुवाद 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 से लड़ने के लिए कर के रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो मेरे से बताओ? मैं 2-3 साल भीम आर्मी में रही, मेरे साथ यहां भीम आर्मी के करनाल के 5-7 बच्चे थे जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन करी, सबके घर में जोत लागे थी। बताओ भीम आर्मी जोत ने रोकने खातर क्या कर रही है? बोली बत्ता में मत जाओ, हर जगह मनुवाद मनुवाद। थारा मुद्दा था चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी, आरोपी को गिरफ्तार करो, उड़ा ले ले बाद राजपूता का विरोध करने बैठ गए, मनुवाद का पीछा पड़ गए, भावना का पीछा पड़ गए, हम क्या कर लोगे उनका? मेरे तेनू नहीं समझ में आती।